विदिशा जिले की गंज बासोदा तहसील में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा चुनाव पूर्व किए गए अपने वचन पत्र अनुसार श्री गोपाल कृष्ण गौशाला का भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया। इस गौशाला के लिए सरकार की ओर से 4 एकड़ जमीन गौशाला को दी गई है। इस अवसर पर प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा, विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री श्री हर्ष यादव, पूर्व विधायक श्री निशंक जैन, विदिशा विधायक श्री शशांक भार्गव एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दिग्विजय सिंह द्वारा सभा को संबोधित किया गया एवं पूर्व विधायक निशंक जैन के यहां पत्रकार वार्ता में पूछे गए सवालों का दिग्विजय सिंह द्वारा अपने ही अंदाज में जवाब दिया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का, जिन्होंने की पंडित देवेंद्र भार्गव जी की गौशाला को और विस्तार करने के लिए 4 एकड़ जमीन यहां बासोदा में दी है, बहुत तहे दिल से मैं कमलनाथ जी का बहुत आभारी हूं। गौ माता की सेवा हमारे लिए एक धर्म की परिपाटी से चलते हुए हम लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने गौ माता को अपनी मां स्वरूप माना है और हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम गौ सेवा के रूप में योगदान दें। मध्य प्रदेश पहला प्रांत था जब 1994 में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया था और हजारों गौशालाएं हमने प्रारंभ की। और मुझे इस बात का दुख है कि सरकार बदलने के बाद वो सारे लोग जो कि गौ सेवा के नाम से राजनीति करते रहे, गौ माता के रूप में राजनीति करते रहे, उन्होंने गौ सेवा आयोग ही समाप्त कर दिया। जो जिस प्रकार से गौ सेवा होनी चाहिए नहीं हो पाई। आज आवारा पशुओं का जो ये हाल है, वाकई में हमें दर्द होता है। सड़कों पर बैठी है गौ माता है, कोई देखने वाला नहीं। इंदौर भोपाल रोड पर हर दिन 3 से 4 गौ माताएं मर जाती है, लेकिन कमलनाथ जी ने एक संकल्प लिया है। और कमलनाथ जी कैसे व्यक्ति है, जो संकल्प ले ले, जो ठान ले, चाहे कोई ताकत हो। राहुल गांधी से माफी मांग कर रही है। जो विधिवत उसकी प्रक्रिया है उसके तहत FIR दर्ज होना चाहिए। अब ये जवाबदारी CBI की है कि वो FIR दर्ज करे, उसके लिए इजाजत मांगे, और अगर FIR दर्ज नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट को उनको लिखित में बताना पड़ेगा क्यों नहीं FIR दर्ज हो रही है। इसलिए जजमेंट जो है राहुल जी के बारे में जो है वो उनके खिलाफ नहीं, ना कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन CBI की जवाबदारी है कि वो FIR दर्ज करे और FIR दर्ज होना चाहिए। तो क्या कांग्रेस इसको लेकर भी आंदोलन करेगी BJP के खिलाफ? हम आंदोलन तो निरंतर चलता है। अयोध्या मसले पे जो अभी वो आया पिटीशन दायर किया जा रहा है अयोध्या मामले को लेकर, ये पिटीशन करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। वैसे मेरा मत और कांग्रेस का मत यही है कि अदालत का फैसला स्वीकार करते हुए इस विवादास्पद विषय को यही पदक्षेप करना चाहिए। सर, सर कश्मीर हाथ से निकल रहा है, ये आपका बयान आया था, अधिकांश कांग्रेस जनों को धारा 370 के बारे में जानना है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कश्मीर का हल है 3 शब्दों में, जमहूरियत, डेमोक्रेसी। सर मैं इंडिया फर्स्ट से मुकेश, जमहूरियत, दूसरा कश्मीरियत, मतलब कश्मीर के लोगों की भावना का ख्याल रखे, और इंसानियत। ये तीनों शब्दों का उल्लंघन किया है मोदी जी ने और अमित शाह ने। कश्मीर की हालत बिगड़ते जा रहे हैं, इनके हालत में संभल नहीं पा रही है,
और कश्मीर के राज्य को यूनियन टेरिटरी बना के बहुत बड़ा अन्याय उन्होंने किया है। सर इंडिया फर्स्ट से मैं मुकेश सानू, मेरा ये क्वेश्चन है कि वन मंत्री उमंग सिंघार ने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए थे, लेकिन कल कांग्रेस की केंद्रीय अनुशासन समिति ने उनको दोषी माना है, तो आपका क्या कहना है? जानकारी नहीं सर, महाराष्ट्र सरकार के बारे में कुछ भी आप महाराष्ट्र सरकार ऐसा है, जनमत का निर्णय होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अमित शाह जी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है शिवसेना को, वादा करके कि ढाई ढाई साल का 50-50 होगा, वो ना करते हुए उन्होंने 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डाला। ये घोर विश्वासघात है उद्धव ठाकरे जी के साथ, अमित शाह जी ने किया। कांग्रेस की विचारधारा से शिवसेना की विचारधारा मिल पाएगी? ऐसा है, विचारधारा अपनी जगह होती है और उसमें कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम में सरकार जो बनेगी उसमें उन सारी विचारधाराओं के जो कॉन्ट्रडिक्शन हैं उनका ख्याल रखा जाएगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब यह है कि तीनों पार्टियों का की सहमति से ही कोई कार्यक्रम चलेगा, कोई एक व्यक्ति का और एक पार्टी का नहीं चलेगा। कांग्रेस क्या गौ संवर्धन को दोबारा से स्थापित करेगी? निश्चित तौर पर हमेशा से करती आई है। 1930 के दशक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था कि गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए महात्मा गांधी के निर्देश पर। सर नर्मदा माई की हमारे बीच में आज श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद परमादरणीय राज साहब देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई हर्ष यादव जी, आदरणीय पंडित जी देवेंद्र भार्गव जी, हमारे विधायक निशंक भार्गव जी, देवेंद्र पटेल जी और यहाँ के हमारे पूर्व विधायक भाई चांग जैन साहब, आदरणीय प्रताप भानु जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी जी, आदरणीय वीर सिंह रघुवंशी जी, पान भाई और मेहताब सिंह जी और तमाम सभी आदरणीय कटारे जी, यहाँ के सभी पंच सरपंच, सभी नेतागण और भाइयों बहनों और युवा साथियों, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय देवेंद्र पंडित देवेंद्र भार्गव जी को कि ये गौशाला का निर्माण का भूमि पूजन उन्होंने राजसाहब दिग्विजय सिंह जी से करवाया है। और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने अध्यक्ष के रूप में और आदरणीय राजा साहब ने दिग्विजय सिंह जी ने वचन पत्र में इस बात को डाला था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ गौशालाएं बनाई जाएंगी और उसी की कड़ी में आज ये गौशाला निर्माण का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। मध्य प्रदेश में 3000 गौशालाएं जगह जगह बनेगी। मैं होशंगाबाद जिले का प्रभारी हूँ, 8-10 गौशालाएं वहां बन के तैयार है और हम ये मानते हैं कि तीन माताओं को मानते हैं, एक भारत माता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल